आपको कह रहे डलवारे पाइप डलवारे हैं, आप बोलते पाइप पता नहीं कितने सालों के बाद डलेगा, आप देखिए अप्रैल में पाइप डलेगा, मार्च अप्रैल में पाइप डलेगा इंशाल्लाह। ये देखिए हम आपको लेटर दिखाते हैं, आप सब कुछ हो गया यार, बताता हूँ आप बैठो। नहीं आप मुझे बात बताइए जनाब स्पीकर साहब, पिछले गवर्नमेंट में बहुत पाइप डले, आप सर्वे करवा दे, मैंने कहा कि आज आप रूलिंग पास करें, यहाँ से क्विटा के जो एमपी है वो जाएंगे इस्लामाबाद, ये बड़ा गैस का बड़ा इशू है, लोग निकल रहे हैं, आपका भी हल्का मुतासर है, मेरा हल्का भी मुतासर है, मैं बताता हूँ इसमें कौन सी गलत बात है, आप उठा कर देखे मैंने कौन सी, मैंने तो यहाँ इसके हल्के की भी बात की, इसके हल्के की भी बात की, अपने मलक साहब है, हम लोग परेशान है, लोग हमारे घरों में आते हैं, गैस नहीं, लोग मर रहे हैं। गैस का मसला बिल्कुल वही मैंने बताया, इसमें सीएम साहब ने भी रब्ता किया है, मैं दोबारा कहता हूँ कि अब दोबारा जो है इमरजेंसी बुनियाद पर जी मिनिस्टर साहब इनका मौके से शुक्रिया जनाब स्पीकर, जिस तरह आपने सर पे बलूचिस्तान में जनाब स्पीकर एक मिनट इनको सुनने गए, उसके बाद फिर मलिक साहब आपको फिर सुनेंगे करे, मैं दूर बैठे हुए हमारी आवाज वैसे ही वही उधर नहीं पहुंचता, एक कमेटी बनाओ, एक वफ्त बनाओ, हम वहां पे जाएंगे, अगर ये नहीं दो दिन के अंदर अगले इजलास में अगर दो दिन के अंदर वहां से मस्बत जवाब नहीं आया तो दो दिन के बाद अगले सेशन में फिर इस पर बात कर लेंगे, आप कमेटी तश्कील दे ताकि इस्लामाबाद जो है देखिए तरीकेकार होता है, हमारे खुद को कमेटी तश्कील दे, आप हुकूमत को सुने एक बार, वजीर मिनिस्टर साहब को सुने, मिनिस्टर साहब को सुने ऐसी